है कि यहाँ पे यहाँ से हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकलने वाले हैं। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि गिव योर बेस्ट। अगर आपको लग रहा आपको आपके कोच आपको बता रहे हैं और आपको भी लगने लग गया है कि नहीं टेबल टेनिस इज समथिंग जो मुझे पता चल गया है कि हाँ ये है मेरी कॉलिंग यही है और मैं इसके अंदर बहुत आगे तक जा सकता हूँ, तो अपनी पूरी एनर्जी इस गेम पर लगाएं और अपना पूरा एफर्ट इस पे लगा दें। एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट स्पोर्ट्स जो है अपने में एक एजुकेशन होती है। और अगर आपको ये लगने लग जाए कि हाँ मैं टेबल टेनिस से स्किल भी अच्छा है, मेरे कोच भी बोल रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो अपना पूरा एफर्ट इस पे लगाएं। आई एम श्योर आप एक अच्छा प्लेयर बनेंगे और बहुत आगे तरक्की करेंगे और राइज करेंगे। My best wishes to everyone. My special thanks to Safex Chemical जिन्होंने आज एक CSR प्रोग्राम किया और हमारे साथ एसोसिएट हुए। थैंक यू हिमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज ए यंगेस्ट आई है। आप स्पोर्ट्स को जिस प्रकार से आगे लेके चल रहे हैं और यंग जनरेशन को जिस प्रकार से आप मार्गदर्शन के साथ आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्लानिंग है और दिल्ली स्तर से लेके इंटरनेशनल लेवल तक कैसे जाएंगे, क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए स्कीम्स चल रही हैं, जिसके अंदर प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है, मिशन एक्सीलेंस स्कीम है, जिसके तहत बडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर को 16 लाख तक का एक साल का सपोर्ट दिया जाता है। उसके अलावा हमने जितने भी बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं, जैसे कि नया स्टेडियम बवाना में आ रहा है, पुल प्रहलादपुर में आ रहा है, नजफगढ़ में आ रहा है, वो सारे स्टेडियम्स के अंदर हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। उसके साथ में हम हॉस्टल्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो अच्छे हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो वहीं हॉस्टल्स के अंदर रह पाएँ। कोचेस की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, 170 से ज़्यादा हमारे अभी कोचेज आने वाले हैं हमारे पास, तो हर तरीके से हम स्पोर्ट्स की सुविधाओं पे को बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें खासकर स्पॉन्सरशिप की बात करें और जिस प्रकार से चलिए मान लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार है साझा समन्वय में आप लोग अच्छा कर पाएंगे, मगर जब यहाँ से बच्चे आगे निकल के जाते हैं फिर काफी ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी जो अमाउंट की जरूरत होती है जो कि शायद उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके उस क्षेत्र में क्या करेंगे आप? देखिए कुछ स्कीम्स हमारी हैं, कुछ भारत सरकार की स्कीम्स है, जैसे टॉप स्कीम है, उसके अलावा जैसे कि आज आपने देखा यहाँ पर हमारा स्टैग एकेडमी ने जिस तरीके से CSR के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे हैं, जैसे CFX केमिकल ने अपना आगे बढ़ के सपोर्ट दिखाया, तो PPP पर भी हम काफ़ी इस मोड के अंदर काम कर रहे हैं जिससे हमारे प्लेयर्स को पूरे तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे NGOs हैं जो कि स्पॉन्सरशिप लेते हैं, हमने सुना भी है, तो क्या वो अंडर 19 हो अंडर 13 हो इस लेवल के जो प्लेयर्स हैं, हमने भी आपके कैलेंडर देखा है साइट में जाके, अपकमिंग कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बच्चे जाएंगे बाहर, तो उनको स्पॉन्सरशिप देने के लिए फिर कोई बात? देखिए स्पॉन्सरशिप जहाँ तक जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हमारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं अगर वो किसी तरीके से इंटरनेशनल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका खर्चा भी स्टेट गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उठाती है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं कोई और अपार्ट फ्रॉम द अदर इंटरनेशनल इवेंट्स बच्चों का किसी और इवेंट के अंदर सिलेक्शन होता है तो वो कंसर्न प्रपोजल जब हमारे पास आते हैं तो हम भी फंडिंग अवेलेबल कराते हैं, प्लस NGOs जो हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि वो भी फंड अवेलेबल करें। प्रोग्राम में भाग लिया, आज आप देख सकते हैं कि करीब 100 से ज्यादा बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर भाग लिया है जिसमें हमारे सरकारी स्कूल के भी छात्र हैं और प्राइवेट स्कूल के भी छात्र हैं। सर सबसे बड़ा सवाल है संदीप सर जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं उनके माध्यम से और उनके तत्वावधान में गुरुकुल चल रहा है एक तरह से और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ से निकल करके देश और दुनिया में नाम कर रहे हैं, संदीप सर के लिए क्या कुछ बोलना? संदीप सर जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 साल से ज्यादा हो गए हैं टेबल टेनिस की फील्ड के अंदर, स्टैग अकेडमी इनकी इतनी अच्छी चल रही है, जितने भी हमारे ओलंपियंस दिल्ली से निकले हैं वो स्टैग अकेडमी के ही प्रोडक्ट हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर पीपी मोड में ये यहाँ पर अकेडमी चला रहे हैं। और अभी भी मुझे बताया गया है कि इनकी हमारी एक टीम ऑस्ट्रिया जा रही है जिसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल का भी छात्र उसमें शामिल है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम आगे भी संदीप जी और इस तरीके से जितने भी अच्छे ऐसे हमारे स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं जो अच्छा कर रही हैं उनके साथ आगे हम जुड़ते रहेंगे। युवाओं को युवा बच्चे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं जो भी खासकर नशे पानी की ओर जा रहे हैं और खासकर
यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जो रील्स वगैरह के लिए जो बच्चे प्रेरित हो रहे हैं उनको खेल जगत में आने के लिए क्या मोटिवेट करें? देखिए खेल जगत में अब जैसे आपने देखा कोविड अब रिस्ट्रिक्शन हट गई हैं, बच्चों को सभी हमारे स्कूल्स भी खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी, गवर्नमेंट स्कूल्स भी, बच्चे जब स्कूल आना स्टार्ट होंगे तो स्पेशल फोकस किया जा रहा है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करें, स्पोर्ट्स के पीरियड्स हमने रखे हुए हैं सो दैट बच्चे फिर से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।